हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर आपका तहे दिल से एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं अपने लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। बहुत कम मैं समय लूंगा, छोटा आज मैं टॉपिक दूंगा क्योंकि मेरे वीडियोज बहुत बड़े होते हैं, आप लोगों को ज्यादा लंबे समय तक देखना पड़ता है और अब टाइम की आपके पास कमी है। तो आज मैं अपने जूनियर सुपरटेट के स्टूडेंट्स के लिए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो यूपीपीएससी जगह आई है लेक्चरशिप के लिए, उनके लिए मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूं। बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब हम लोग अंग्रेजी साहित्य की बात करते हैं तो अंग्रेजी साहित्य में अगर यूनाइटेड किंगडम की हम बात करें, यूके की बात करें, तो यूके में जो पोएट्स होते हैं उनमें एक उपाधि दी जाती है, एक ऑनरशिप दी जाती है, जिसको हम पोएट लॉरेट कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? पोएट लॉरेट। जैसे कि हम भारत की अगर बात करें, इंडियन राइटिंग की बात करें, तो इंडियन राइटिंग में जैसे कि हम लोग एक उपाधि दी जाती है उनका राष्ट्र कवि, उसी प्रकार से यूके में भी जो इंग्लिश लिटरेचर के पोएट हैं उनको पोएट लॉरेट की उपाधि दी जाती है, पोएट लॉरेट की उपाधि दी जाती है। और मैं आपको बता दूं कि अब तक जब से पोएट लॉरेट की उपाधि आरंभ हुई है, कुल मिलाकर अंग्रेजी साहित्य में यूके में, अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करता हूं मैं, तो कुल मिलाकर 21 पोएट्स ऐसे हैं जिनको कि पोएट लॉरेट की उपाधि मिली है। और चूंकि अगर मैं 21 आज एक ही वीडियो में समझाऊंगा तो आपके लिए वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आज मैं आपको दो पार्ट्स में इसको समझाऊंगा। आज मैं आपको 10 पोएट लॉरेट समझाऊंगा और उसके बाद कल के वीडियो में 10 और नाम बताऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से जब से पोएट लॉरेट बनना आरंभ हुआ, उनके नाम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कब पोएट लॉरेट वो बने, कब तक रहे और उस समय शासन काल किसका था, किस राजा के द्वारा वो पोएट लॉरेट अपॉइंट हुए, ये सब मैं आपको बताऊंगा संक्षेप में, क्योंकि जिससे कि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि पोएट लॉरेट के क्वेश्चन जो है वो 100% आते हैं। यदि आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो पिछले वर्षों के आप पेपर उठाकर देख सकते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, अगर जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोएट लॉरेट से संबंधित। तो अब हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट, पहले हम पोएट लॉरेट की बात, जैसे कि मैंने कहा तो पोएट लॉरेट जो है, अगर मैं उसकी बात करूं तो पोएट लॉरेट जो है इंग्लैंड की, जब मैं बात करता हूं इंग्लैंड के प्रक्षेत्र की बात करता हूं, यूनाइटेड किंगडम की बात करता हूं, तो उन कवियों को पोएट लॉरेट की उपाधि दी जाती है जिनको की एक पेंशन, जिनको की एक पेंशन जो है वो मोनार्च के द्वारा दी जाती है उनके अच्छे कार्यों के लिए। दूसरी बात, पोएट लॉरेट का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होता है, हालांकि उनका कोई कार्य डिस्टिंग्विश होता नहीं है, कुछ भी कार्य ऐसा नहीं लिखा गया है कि नहीं पोएट लॉरेट को ये काम करना ही है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि जो नेशनल ओकेजंस होते हैं, जो राष्ट्रीय अवसर होते हैं, पर्व होते हैं, उन पर पोएट लॉरेट जो है वो अपने द्वारा लिखी गई जो कविताएं हैं उनका मंचन करें, उनको सुनाएं या उनको राष्ट्र के प्रति समर्पित करें। ठीक है ना साहब? तो ये होता है पोएट लॉरेट। और पहले ये मोनार्क जो हुआ करते थे, चाहे राजा हो या रानी, उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते थे यूके में। और उसके बाद अगर हम रिसेंटली ईयर्स की बात करें, आपकी बात करें, तो प्रधानमंत्री, मतलब मोनार्क और प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उन दोनों के द्वारा की सहमति से पोएट लॉरेट की उपाधि पोएट को दी जाती है। तो ये तो इसका बैकग्राउंड है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पोएट लॉरेट इन इंग्लिश ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। अंग्रेजी भाषा में पोएट लॉरेट, वो भी किस देश की साहब? यूनाइटेड किंगडम के। ऐसा नहीं है कि पोएट लॉरेट की उपाधि सिर्फ इंग्लैंड में, यानी यूनाइटेड किंगडम में ही दी जाती है, अमेरिका में भी दी जाती है। उसके लिए मैं वीडियो आपको अलग से दूंगा, लेकिन चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम की, तो पोएट लॉरेट इन इंग्लिश ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। और ये मैंने आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं पार्ट वन, जैसे कि मैंने कहा कि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैंने कहा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला मैंने लिखा सीरियल, यानी कि क्रम हमारा। उसके बाद नेम ऑफ द पोएट, यानी कि सबसे पहला पोएट लॉरेट कौन बना, उनके बाद कौन, उनके बाद कौन, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उसके बाद मैंने जैसा कहा था डेट्स ऑफ लॉरेटशिप, यानी कि कब से लेकर कब तक वह पोएट पोएट लॉरेट के पद पर आसीन रहा। और उसके बाद अपॉइंटेड बाई, चौथा पॉइंट पार्ट है अपॉइंटेड बाई, यानी कि किस मोनार्च ने उसको अपॉइंट किया। क्लियर? तो अब हम पहले ही बात करते हैं। तो पहला आपका पोएट लॉरेट बना जॉन ड्राइडन। अंग्रेजी भाषा में,
अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में पहले पोएट लॉरेट की उपाधि जो है वो हमारे राइटर जॉन ड्राइडन को दी गई। किसको दी गई साहब? जॉन ड्राइडन को। कब मिला इनको ये किताब? 13 अप्रैल 1668 को। कब मिला? 13 अप्रैल 1668 को। और कब तक ये पोएट लॉरेट रहे? जनवरी 1688 तक। 13 अप्रैल 1668 से जनवरी 1688 तक लगभग 20 वर्ष, ठीक है ना। ये पहले हमारे पोएट लॉरेट थे। और उस समय अगर हम यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो मोनार्च हमारे थे चार्ल्स सेकंड। कौन थे? चार्ल्स सेकंड। तो किनके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया? चार्ल्स सेकंड के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया। तो आपसे कोई पूछ बैठे हु इज द फर्स्ट पोएट लॉरेट इन इंग्लिश, द आंसर इज जॉन ड्राइडन। कब बने साहब? 13 अप्रैल 1668 को। और कब तक रहे? जनवरी 1688 तक। और किसके द्वारा अपॉइंट किए गए? हु अपॉइंटेड जॉन ड्राइडन एज ए पोएट लॉरेट? द आंसर इज चार्ल्स सेकंड। चलिए अब दूसरे नंबर पर आते हैं हम लोग। दूसरे जो हमारे पोएट लॉरेट बने उनका नाम था थॉमस सैडवेल। क्या नाम था साहब? थॉमस सैडवेल, SHADWELL, थॉमस सैडवेल। इनका लॉरेटशिप जो है वो आरंभ हुआ 9 मार्च 1689 में, यानी कि यहां जनवरी 1688 में जब इनकी डेथ हो गई हमारे जॉन ड्राइडन साहब की, उसके बाद लगभग एक वर्ष का समय लगा और उसके बाद अपॉइंट किए गए थॉमस सैडवेल पोएट लॉरेट 9 मार्च 1689 को, 1689 को। और ये पोएट लॉरेट रहे 20 नवंबर 1692 तक। कब तक रहे? 20 नवंबर 1692 तक, यानी कि लगभग 3 वर्ष से ऊपर, लगभग 3 वर्ष से ऊपर। और इनको जो अपॉइंट किया उस समय मोनार्च हमारे थे विलियम थर्ड और मैरी सेकंड। कौन? विलियम थर्ड और मैरी सेकंड, यानी कि राजा का नाम था विलियम थर्ड और रानी का नाम था मैरी सेकंड। उसके बाद हम लोग करते हैं नंबर 3 की बात। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे नेहम टेट। तीसरे जो पोएट लॉरेट बने उनका नाम था नेहम टेट। इनका पोएट लॉरेट से भी स्टार्ट होती है 23 दिसंबर 1692 को, और डेथ और सॉरी इनका जो लॉरेट से चलती है वो होती है 30 जुलाई 1715 तक, ठीक 23 दिसंबर 1692। जब आप देख रहे हैं थॉमस सैडवेल 20 नवंबर 1692 तक पोएट लॉरेट रहे, उसके एक महीने के बाद करीब 23 दिसंबर 1692 को नेहम टेट को पोएट लॉरेट से मिलती है। और कब तक चलती है साहब? 30 जुलाई 1715 तक। कब तक चली? 30 जुलाई 1715 तक। और उस समय भी हमारा मोनार्च जो थे वो कौन थे? विलियम सेकंड और मैरी सेकंड, ठीक है साहब। अब आता है नंबर 4 पर हमारे पोएट लॉरेट। तो उनका नाम था निकोलस रोप। क्या नाम है साहब? निकोलस रोप नाम है इनका। जो पोएट लॉरेट से वो स्टार्ट हुआ 1 अगस्त 1715 को, जैसा कि 30 जुलाई 1715 तक हमारे नेहम टेट रहे लॉरेट। उसके बाद एक दिन के बाद यानी कि 1 अगस्त 1715 को हमारे पोएट लॉरेट कौन बने? निकोलस रोप। और इनकी पोएट लॉरेट से कब तक रही? 6 दिसंबर 1718 तक। और उनको अपॉइंट करने वाले जो मोनार्च थे उनका नाम था जॉर्ज फर्स्ट। उसके बाद आता है हमारे पांचवें नंबर पर, जो पांचवें जो आपके पोएट लॉरेट बने उनका नाम था लॉरेंस एस्टन। नाम था लॉरेंस एस्टन। क्या नाम है साहब? लॉरेंस एस्टन नाम है इनका। और इनका पोएट लॉरेट से जो है वो स्टार्ट होता है 10 दिसंबर 1718 को, और इनका पोएट लॉरेट से चलता है 27 सितंबर 1730 तक। देखिए 6 दिसंबर 1718 निकोलस रोप का समाप्त हुआ, और 6 दिसंबर के 4 दिन के बाद 10 दिसंबर 1718 को इनका पोएट लॉरेट से स्टार्ट हुआ लॉरेंस एस्टन का, और चला कब तक? 27 सितंबर 1730 तक। और इनको भी अपॉइंट करने वाले हमारे मोनार्च कौन थे? जॉर्ज फर्स्ट। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसी क्रम में हमारा, जैसे मैंने अभी आपको 5 पोएट लॉरेट लिखाए थे क्रम से, अब इसी क्रम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 6 नंबर पर आपके जो पोएट लॉरेट बने यूके में उनका नाम है कॉले किवर। क्या नाम है साहब? कॉले किवर। इनका पोएट लॉरेट से स्टार्ट होता है 3 दिसंबर 1730 को, लॉरेट से चलता है 12 दिसंबर 1757 तक, यानी कि 1730 से लेकर 1757 तक, यानी कि लगभग 27 इयर्स।
और उस समय जो हमारे मोनार्क्स थे जिनके द्वारा ये अपॉइंट किए गए थे वो थे हमारे जॉर्ज सेकंड। उसके बाद 7 नंबर पर हमारे जो पोइट लॉरेट बनते हैं उनका नाम है विलियम व्हाइटहेड। क्या नाम है साहब? विलियम व्हाइटहेड। इनका जो लॉरेटशिप है वो स्टार्ट होता है 19 दिसंबर 1757 को, यानी कि 12 दिसंबर 1757 तक कॉलेज केवल रहते हैं पोइट लॉरेट, और 19 दिसंबर 1757 यानी 19 दिसंबर 1757 को हमारे विलियम व्हाइटहेड यानी कि लगभग 7 दिन के बाद पोइट लॉरेट बनते हैं इंग्लैंड के। और ये कब तक रहते हैं? 14 अप्रैल 1785 तक। कब तक रहते हैं साहब? 14 अप्रैल 1785 तक। और इनको अपॉइंट करने वाले हमारे यूके, इंग्लैंड, ठीक है ना, वही पूरा है। तो जॉर्ज सेकंड, आज जिसको हमें खाली इंग्लैंड जानते हैं वो यूके हुआ करता था, यूनाइटेड किंगडम। और नंबर 8 पर आते हैं हमारे जो पोइट लॉरेट बनते हैं उनका नाम है थॉमस बार्टन। क्या नाम है साहब? थॉमस बार्टन, जो कि विलियम व्हाइटहेड के बाद पोइट लॉरेट बनते हैं। 14 अप्रैल 1785 तक रहे विलियम व्हाइटहेड। तो भैया उसके लगभग 5 से 6 दिन के बाद 20 अप्रैल 1785 को हमारे थॉमस बार्टन जो है वो यूके में क्या बनते हैं? पोइट लॉरेट। और कब तक रहते हैं? 21 मई 1790 तक, लगभग 5 वर्ष। और इस समय जो इनको अपॉइंट किया गया मोनार्क थे जॉर्ज थर्ड। फिर आते हैं 9 नंबर पर जो हमारे पोइट लॉरेट बनी उनका नाम था हेनरी जेम्स पाई। क्या नाम था? हेनरी जेम्स पाई। और इनका पोइट लॉरेट से आरंभ होता है 28 जुलाई 1790 को। आइगो 28 जुलाई 1790 को, और कब तक चलता है? 11 अगस्त 1813 तक, यानी कि लगभग 23 वर्ष, लगभग 23 वर्ष। और इनको भी अपॉइंट किसने किया था? मोनार्क उस समय थे जॉर्ज थर्ड। अब आते हैं हमारे 10 नंबर पर जो 10वें आपके बने पोइट लॉरेट, उनका नाम था रॉबर्ट सौदे। क्या नाम है साहब? रॉबर्ट सौदे। कब बने ये? 12 अगस्त 1813। हेनरी जेम्स पाई कब तक रहे? 11 अगस्त 1813 तक। तो अगले दिन 12 अगस्त 1813 को पोइट लॉरेट कौन बने? रॉबर्ट सौदे बने। और कब तक रहे? 21 मार्च 1843 तक। कब तक रहे? 21 मार्च 1843 तक। और उस समय भी मोनार्क कौन थे? जॉर्ज थर्ड। तो देखिए आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो यूनाइटेड किंगडम और इंग्लिश लिटरेचर में जिन पोइट्स को पोइट लॉरेट की उपाधि दी गई, जैसा कि मैंने कहा कि कुल मिलाकर अब तक 21 पोइट्स को पोइट लॉरेट की उपाधि दी जा चुकी है। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए अभी आज के इस वीडियो में मैंने आपको 10 पोइट लॉरेट दिए। अगले वीडियो में आपको 11 और पोइट लॉरेट के बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अंत तक इसको देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर